तो बच्चों बेसिक हाइड्रोलिक सिस्टम हमने देखा और उसके कंपोनेंट्स देखे कौन कौन से हैं और उनका फंक्शन देखा क्या क्या है। और अब हम बात करेंगे जो हाइड्रोलिक ऑयल जो कि उसमें हम इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम में, उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक ऑयल, जो फ्लूड हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो हाइड्रोलिक ऑयल क्या है? इट इज अ वर्किंग मीडियम इन ए हाइड्रोलिक सिस्टम। ठीक है, सिंपल। हाइड्रोलिक ऑयल इज द वर्किंग मीडियम इन हाइड्रोलिक सिस्टम, यानी कि जिसके थ्रू हम अपना काम कर रहे हैं। मैकेनिकल सिस्टम हम किसके थ्रू करते हैं? लिंकेजेस, गियर्स, बेल्ट पुली, ठीक है ना, हमने एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए वो हमारा वो वर्किंग वर्किंग मीडियम वो है। और हाइड्रोलिक सिस्टम में हमारा वर्किंग मीडियम है हाइड्रोलिक ऑयल या फ्लूड। ठीक है, फ्लूड कौन सा? लिक्विड वाला। और लिक्विड में भी वाटर नहीं, हम ऑयल की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो हाइड्रोलिक ऑयल इज द वर्किंग मीडियम इन ए हाइड्रोलिक सिस्टम। क्या काम करता है? टू ट्रांसमिट एनर्जी। ठीक है, तो ये हाइड्रोलिक है, ऑयल है। इसके अलावा और क्या फंक्शन है हाइड्रोलिक ऑयल के? केवल यही काम नहीं है कि वो जो एनर्जी को ही ट्रांसमिट कर रहा है सिस्टम में, उसके अलावा और भी काम है। तो हम फंक्शन की अगर बात करें, अगर कोई पूछे, क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ हाइड्रोलिक ऑयल, तो आप लिख सकते हो अदर देन ट्रांसमिटिंग द हाइड्रोलिक एनर्जी इन द हाइड्रोलिक सिस्टम, द फॉलोइंग फंक्शंस आर परफॉर्म बाय द हाइड्रोलिक ऑयल। ठीक है, एक तो वो हो गया। नंबर टू, लुब्रिकेशन। अब हाइड्रोलिक ऑयल जब जहां जहां जाता है वहां वहां पर वो लुब्रिकेशन भी करता रहता है। ठीक है ना, हमें इस हाइड्रोलिक सिस्टम में अलग से लुब्रिकेशन करने की जरूरत नहीं है। तो जो ऑयल जहां जहां जाएगा वहां पर लुब्रिकेशन डिफरेंट पार्ट्स के अपने आप ही करता रहेगा। उससे क्या फायदा है? वियर एंड टीयर कम होगा, फ्रिक्शन कम होगा। फ्रिक्शन कम है तो वियर एंड टीयर अपने आप ही कम हो जाएगा। ओके, अब दूसरा, उससे अगला क्या काम उसका? कूलिंग। ऑयल कूलिंग भी करता है। ठीक है, अब इसका कैसे यूज करते हैं? मान लो कहीं पर हीट जनरेट हो रही, मूविंग पार्ट से ज्यादा मूवमेंट हो रही, वहां पर हीट भी जनरेट होगी। ठीक है ना, और बहुत जल्दी जल्दी काम हो रहा है, तो ऑयल क्या करेगा? उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉपर्टी होती है ऑयल में कि वो हीट को जो है एब्जॉर्ब कर सकता है, उसको कैरी कर सकता है। ठीक है, एंड इट कैरीज अवे द हीट जनरेटेड इन द सिस्टम एंड डिसिपेट्स द हीट थ्रू ए रिजर्वायर और ए हीट एक्सचेंजर। ठीक है, अब मान लो सिस्टम है, ऑयल गया यहां पर काम हो रहा है। ठीक है, इसमें जाके ऑयल ने हीट उसकी ले ली और काम करके वापस आ रहा है, हीट लेके भी साथ में आ रहा, तो ऑयल को हम हीट एक्सचेंजर के थ्रू पास कर सकते हैं, या जब रिजर्वायर में जाएगा वो तो वहां पर ओपन स्पेस मिलेगा तो ठंडा हो जाएगा। तो यहां की हीट उठा के इसने रिजर्वायर में या हीट एक्सचेंजर के थ्रू हीट को डिसिपेट कर दिया। तो इस तरीके से उसने क्या किया? सिस्टम को कूल भी किया, तो कूलिंग इफेक्ट भी दिया है। अगला फंक्शन क्या बता रखा है? सीलिंग का। इट सील्स द मूविंग पार्ट टू अवॉइड लीकेज। अब सीलिंग कैसे करता है? मान लो कहीं पर जॉइंट है, ठीक है, तो यहां पर जो है ऑयल की फिल्म की लेयर भी जम जाती है। ठीक है, तो उसके वजह से क्या है कि वहां पे सीलिंग अपने आप ही हो जाती है। आपने कई बार देखा होगा कि केमिस्ट्री की लैब में आप गए होंगे, तो वहां पे जार होते हैं। ठीक है, जार होते हैं और उनका जो मुंह है, उसका जो ओपनिंग है, उसको हम एक ग्लास के ही ढक्कन से बंद रखते हैं। इस तरह की ओपनिंग होती है, अगर उसका आप उसको घुमा के निकालते हैं हम उसको, और घुमा के निकाल के देखेंगे कि जो ग्लास की जो उसकी ओपनिंग थी, जो इसका ढक्कन है, इसके ऊपर एक कुछ चिकना सा पदार्थ लगा होता है, उसको हम लुब्रिकेट करके रखते हैं। अब उसका फायदा क्या? कोई ऑयल वगैरह लगा के रखते हैं, ताकि उसका फायदा क्या है कि सीधा हम लगाएंगे तो उसमें से हो सकता है कुछ लीकेज हो जाए, लेकिन लुब्रिकेशन की वजह से वो क्या है, उसकी सरफेस के साथ जो है वो फुनकी लेयर आ जाएगी दोनों में, और यहां से वो लीकेज नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसी तरह से जहां भी ज्वाइंट इस टाइप की चीजें हैं वहां पर वो लेयर बन जाएगी और वो लीकेज को अवॉइड करेगी, उसकी ऑयल की लेयर बनेगी और उसकी लीकेज को रोकेगी, तो सीलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, फिर मैंने बताया क्लीनिंग का, अब क्लीनिंग भी करता है। अब पूरा काम करके जैसे आ रहा है, मान लो ये एक्चुएटर है हमारा, यहां पर काम हो रहा है। ठीक है, ऑयल आ रहा है यहां पर। अब इसमें क्या हो सकता है कि एक्चुएटर काम कर रहा है, उसमें अंदर कुछ कॉन्टेमिनेशन भी आ सकते हैं, थोड़ी बहुत ओपनिंग्स तो कहीं ना कहीं होंगी। ठीक है, कुछ कॉन्टेमिनेशन उसके अंदर आ सकते हैं, तो
ऑयल क्या करेगा कि जहां भी कुछ भी कंटामिनेशन, चाहे रेगुलेटर में चाहे जहां से भी पास हुआ है, तो कंटामिनेशन को अपने साथ कैरी करके ले आएगा। कैरी करके कहां ले आएगा? रिजर्वायर में। अब रिजर्वायर से जब जाएगा ऑयल वापस, तो फिल्टर के थ्रू पास होके जाएगा। तो फिल्टर क्या करेगा, जितने भी कॉन्टामिनेशन थी ऑयल के थ्रू रिजर्वायर में आई थी, या तो उसी में बैठ जाएंगी वो, या वो फिल्टर के थ्रू क्लीन हो जाएगी। तो क्लीनिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है हाइड्रोलिक ऑयल। फिर आता है कुशनिंग। कुशनिंग क्या है? कुशनिंग का मतलब टू सॉफ्टन द इफेक्ट ऑफ एन इम्पैक्ट। अब काम हो रहा है, मशीन काम कर रही है, तो उसमें शॉक लोड भी आ सकता है या इम्पैक्ट लोड भी आ सकता है, ठीक है ना। अब उस इम्पैक्ट लोड अगर डायरेक्टली बाकी कॉम्पोनेंट्स पे चला जाए तो उसको हार्मफुल इफेक्ट आ सकते हैं, ठीक है, उनमें डैमेज हो सकता है या लूज हो सकते हैं पार्ट्स। लेकिन ऑयल क्या है? अब ऑयल थिक ऑयल, ऑयल थोड़ा थिक होता है। अब कुछ जो इफेक्ट आ रहे हैं, इम्पैक्ट आ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत वाइब्रेशंस को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो कुशनिंग इफेक्ट भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये इसका ये भी फंक्शन रहता है, ठीक है बच्चों। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए, 5 नंबर में आ सकता है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ हाइड्रोलिक ऑयल, और राइट एनी 5 फंक्शन ऑफ हाइड्रोलिक ऑयल। तो आप मेन तो ये है ही है, इसके अलावा ये पॉइंट्स भी आप उसमें लिख सकते हो। चलिए अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक ऑयल। कोई एक तरह का ऑयल नहीं होता, तो हमारी जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम ऑयल्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो मेनली जो हम क्लासिफाई करते हैं, 3 तरह से क्लासिफाई करते हैं, तो मिनरल ऑयल्स, दूसरा इमल्शंस, और तीसरा वेजिटेबल ऑयल्स। ये सब के सब हम हाइड्रोलिक सिस्टम में यूज करते हैं, ठीक है। अब मिनरल ऑयल्स की बात करें अगर हम, ये होते हैं पेट्रोलियम बेस्ड, ठीक है। जो पेट्रोलियम बेस्ड ऑयल्स हैं उनको बोलते हैं मिनरल ऑयल्स, और मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑयल्स हैं ये, कॉमनली यूज्ड, ठीक है। एक तो इजीली अवेलेबल है ये, ठीक है, और इकोनॉमिकल भी है, और इनके अंदर लुब्रिकेशन प्रॉपर्टीज भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है, और लिस्ट कोरोसिव, मतलब कोरोजन होने के चांसेस बहुत कम है इनके साथ, ठीक है। और सीलिंग मटेरियल जो यूज करते हैं हम, सीलिंग मटेरियल भी यूज करते हैं ना हाइड्रोलिक सिस्टम में, उनके साथ भी ये कंपेटेबल होता है। मोस्टली जो रबड़ है या जितने भी हम मटेरियल यूज करते हैं उनमें ये कंपेटेबल रहता है, ठीक है। तो ये तो इसके फायदे हैं मिनरल ऑयल्स के, पेट्रोलियम बेस्ड होते हैं ये, और उसके ये फायदे हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया इसके फायदे। लेकिन अगर इसमें सारे ही गुण है तो फिर बाकी क्यों लिख रखे हैं यहां पर, उसकी भी वजह है, क्योंकि इसके अपने कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो क्या है? एक तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि पेट्रोलियम बेस्ड है इसलिए इसकी फ्लेमेबिलिटी ज्यादा है, यानी कि इसमें आग लग सकती है अगर सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर से आगे चला जाए तो, ठीक है। अब कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती है जो बहुत हाई टेम्परेचर पे काम करती हैं, मान लो स्टील इंडस्ट्रीज हैं, यहां जहां पर फर्नेसिस वगैरह हैं, ठीक है, तो वहां पर टेम्परेचर 70 डिग्री भी हो सकता है और इससे भी ज्यादा हो सकता है। तो वहां पर अगर हमने ऐसा हाइड्रोलिक सिस्टम यूज कर लिया जिसके अंदर मिनरल ऑयल्स यूज कर रहे हैं, तो वहां पर आग लग सकती है, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेजेस है। तो इसके जो ऑपरेटिंग रेंज है ना, वो लेस देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड ही रखते हैं। जहां पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे काम हो रहा है वहां पर हम इसको प्रेफरेबली यूज करते हैं। और भी क्या है कि इससे अगर ज्यादा टेम्परेचर पे क्या होता है कि ये केमिकल स्टेबल नहीं रहता, केमिकल स्टेबिलिटी इसकी नहीं रहती ज्यादा टेम्परेचर पे, मतलब स्टेबिलिटी खत्म होने का मतलब इसके जो है वो कंपाउंड्स अलग अलग हो सकते हैं, और जो प्रॉपर्टी थी लो टेम्परेचर पे वो बाद में नहीं रहेगी। बाद में वो प्रॉपर्टी नहीं रही तो हमारा पर्पज ही सोल्व नहीं होगा, क्योंकि हमने तो अपने जो पर्पज सोल्व करना उसी हिसाब से इसकी प्रॉपर्टी ली थी, ठीक है। क्योंकि अगर केमिकल स्टेबिलिटी है तो लुब्रिकेशन भी इसका कम हो जाएगा, ठीक है, लुब्रिकेशन कम होगा तो फ्रिक्शन की वजह से सीवियरिटी भी बढ़ जाएगा, हो सकता है कोरोसिव भी हो जाए। तो इसलिए इसको 50 डिग्री से ज्यादा पर नहीं यूज करते। अगर करना भी है तो उसका एक तरीका है, हम इसमें एडिटिव्स मिला देते हैं। एडिटिव्स मिला के मिनरल ऑयल्स की हम प्रॉपर्टीज को इन्हांस कर लेते हैं, जो कि नॉर्मली नहीं होती। इससे क्या हो जाएगा कि वो केमिकल स्टेबल रह जाएगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड
टेम्परेचर के बाद भी। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको बता दिया मिनरल ऑयल्स के बारे में। अब बात करते हैं इमल्शंस। इमल्शंस क्या होते हैं? इमल्शंस आर द मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स विच डू नॉट केमिकली रिएक्ट विद ईच अदर। समझ गए? इमल्शन क्या है? दो लिक्विड का मिक्सचर है जो कि केमिकली रिएक्ट नहीं करते हैं। मान लो पानी, घर में भी करते हैं पानी और उसमें तेल भी डाल देते हैं ना, तो वो इमल्शन बना सकते हैं। मान लो ऑयल भी डाल दिया पानी में तो इमल्शन बन जाएगा। वो तेल और पानी साथ तो हैं लेकिन केमिकली रिएक्ट नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसी तरह से हम इमल्शन भी तैयार करते हैं, उनको भी एज ए फ्लूड या हाइड्रोलिक ऑयल हम उसको यूज कर लेते हैं। तो इसमें भी दो तरह के होते हैं इमल्शंस। नॉर्मली तो इमल्शंस जो हम बना रहे हैं वो पेट्रोलियम बेस्ड ऑयल और वाटर के साथ ही बनाते हैं। ठीक है ना, कॉमनली क्या है? पेट्रोलियम बेस्ड ऑयल प्लस वाटर, इसी का इमल्शन बनाते हैं। तो ये भी दो तरह के होते हैं, एक तो ऑयल इन वाटर और दूसरा वाटर इन ऑयल इमल्शन। दो तरह के होते हैं। ऑयल इन वाटर इमल्शन का मतलब क्या है? वाटर बेस्ड इमल्शन है, यानी कि इसमें पानी की मात्रा ज्यादा होगी, ठीक है, और तेल की कम। ऑयल इन वाटर यानी कि पानी ज्यादा है और ऑयल कम है। तो 5% ऑयल रखते हैं हम, अगर मान लो 100 लीटर अगर पानी है तो उसमें केवल 5 लीटर ही ऑयल डालेंगे, तो वो 5% ऑयल वाला ऑयल इन वाटर इमल्शन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये हो गया ऑयल इन वाटर इमल्शन। तो ज्यादातर जो करेक्टरिस्टिक्स आएंगी इस इमल्शन की वो आएंगी वाटर की ज्यादा होंगी करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब इसकी जो है लिमिटेशन क्या है? एक तो विस्कोसिटी बहुत पुअर है, ठीक है, और लुब्रिकेशन बहुत पुअर है, लीकेज के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। लेकिन इन प्रॉब्लम्स को भी हम दूर कर सकते हैं एडिटिव्स मिलाकर। मैंने बताया ना एडिटिव्स क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो मिलाए जाएं जो कि उनकी प्रॉपर्टी को इन्हांस कर सके। एडिटिव्स मिलाकर इस प्रॉपर्टीज को हम इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इनको हम यूज कहां कर सकते हैं? इस तरह के इमल्शन को जहां पर हाई डिस्प्लेसमेंट हो, लो स्पीड पंप हो, जैसे कि माइनिंग वगैरह में। ठीक है, तो इनको हम कहां यूज करते हैं? हाई डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, लो स्पीड, ठीक है, माइनिंग में यूज करते हैं हम इनको। माइनिंग में जहां पर यूज हो रहे हैं वो हाइड्रोलिक सिस्टम, वहां पर हम इनको यूज कर सकते हैं। अब बात आती है वाटर इन ऑयल। वाटर इन ऑयल इमल्शन इनका क्या है? अब इसमें नाम से पता लग रहा है आपको, इसमें ऑयल ज्यादा होगा और वाटर कम होगा। ठीक है, तो ये ऑयल बेस्ड हो जाते हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा प्रॉपर्टी जो ऑयल की मिलती है हमारे को, जो करेक्टरिस्टिक्स ज्यादा आएंगी वो ऑयल की आएंगी। इसके अंदर पानी की करेक्टरिस्टिक ज्यादा पोजेस करता था ये। ठीक है, और इसकी विस्कोसिटी और लुब्रिकेशन प्रॉपर्टीज भी अच्छी मिल जाती हैं। ठीक है, तो ज्यादातर जो इमल्शन बनते हैं 60-40 के रेशो में हम ले लेते हैं ये। इसका मतलब क्या है कि 60% ऑयल एंड 40% वाटर जो मोस्टली हम यूज करते हैं। और इनका जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये ठीक काम करता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, क्योंकि अगर ज्यादा पे काम करेंगे तो पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा। हायर टेम्परेचर पे पानी इवेपोरेट हो जाएगा और इसकी जो फायर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज है वो इस इमल्शन की कम हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए इस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब बात आती है वेजिटेबल ऑयल्स की। अब इनका कहां से शुरुआत हुई? अब क्योंकि पेट्रोलियम बेस्ड ऑयल यूज कर रहे हैं तो पोल्यूशन की भी साथ साथ प्रॉब्लम हो रही है, तो ये
ग्लोबल पोल्यूशन की वजह से अब ये कोशिश होने लगी एनवायरमेंटल फ्रेंडली ऑयल्स को हम यूज किया करें, ठीक है। तो वेजिटेबल आर ऑयल्स आर बायोडिग्रेडेबल ऑयल्स एंड आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली, ठीक है। दीज पोजेस गुड लुब्रिकेशन प्रॉपर्टीज, मॉडरेट विस्कोसिटी एंड आर लेस एक्सपेंसिव, तो ये इसकी अच्छी बातें हैं, ठीक है। और इनके अलावा और भी प्रॉपर्टीज हम इनहांस कर सकते हैं, फॉर्मुलेट कर सकते हैं, ताकि ये फायर रेजिस्टेंट भी रहें, ठीक है। और उसके अंदर जो है हमारी जो बताया मैंने अभी कि विस्कोसिटी भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और भी प्रॉपर्टीज को हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं एडिटिव्स मिलाकर। एडिटिव्स का रोल तीनों में ही मैंने बताया है कि जो कमी रह जाती है, मान लो हमने कोई भी हमने एक ऑयल ले लिया, उसमें कोई कमी है तो हम उसके अंदर एडिटिव मिला सकते हैं, जो जिसके अंदर वो खासियत है, तो उसके अंदर मिलके उसके अंदर वो उसकी कमी को पूरा कर देगा, ठीक है। इनके अंदर एक प्रॉब्लम क्या है कि इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो एसिडिटी, स्लज फॉर्मेशन और कोरोजन प्रॉब्लम इसमें आ जाती हैं, ठीक है। इसलिए मिनरल ऑयल की अपेक्षा ये इस तरह से इसमें कमी है, ठीक है। तो इसको हमें जो है ज्यादा और अच्छा बनाने के लिए इसके अंदर जो है ऑक्सीडेशन प्रॉब्लम को दूर करना पड़ेगा। तो ये तीनों तरह के हमने जो है वो ऑयल्स को हमने देखा, मिनरल ऑयल्स, इमल्शन एंड वेजिटेबल ऑयल्स। अब हम बात करते हैं कि एक आइडियल हाइड्रोलिक ऑयल में क्या क्या खास बातें होनी चाहिए, ठीक है ना। हमने इतनी बातें तो कर ली, इसमें ये कमी है, इसके अंदर ये कमी है, तो हम चाहते क्या है एक अच्छे हाइड्रोलिक ऑयल में क्या क्या प्रॉपर्टीज हों। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कई बार, प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल हाइड्रोलिक ऑयल। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल हाइड्रोलिक ऑयल। तो 5 नंबर में आए, तो 5 प्रॉपर्टीज आपको कम से कम बतानी ही चाहिए। एक तो हम क्या चाहते हैं, आइडियल विस्कोसिटी। आइडियल विस्कोसिटी क्या होती है जी, हमें तो ये पता है जी, लो विस्कोसिटी होती है या हाई विस्कोसिटी है। लो विस्कोसिटी जो है इजीली फ्लो करता है, हाई विस्कोसिटी फ्लूड्स बहुत धीरे धीरे करता है या उसे फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है। आइडियल विस्कोसिटी क्या है, आइडियल विस्कोसिटी वो कि जैसा हमारा काम है, हमारे को हाइड्रोलिक सिस्टम में विस्कोसिटी कितनी चाहिए, हमें ना हो सकता है कि कम विस्कोसिटी वाला फ्लूड चाहिए या हो सकता है कि ज्यादा विस्कोसिटी वाला फ्लूड चाहिए, ठीक है। आइडियल विस्कोसिटी का मतलब है कि ना कम हो ना ज्यादा हो, जैसी रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो फोर्स हम लगा रहे हैं उस फोर्स के हिसाब से उसके अंदर फ्लोएबिलिटी हो, ठीक है ना। कि हम ये चाहते हैं कि भाई इतना एफ फोर्स लगाने से उसके अंदर ये वेलोसिटी आ जाए, ठीक है, तो उस हिसाब से उसके अंदर विस्कोसिटी हो, तो उसको हम बोलते हैं आइडियल विस्कोसिटी, ठीक है। यानी कि उसका फ्लो इजीली हम कंट्रोल कर सकें। दूसरा, गुड लुब्रिकेशन प्रॉपर्टीज, ये तो समझ ही गए होंगे आप, गुड लुब्रिकेशन प्रॉपर्टीज ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तीसरा, अभी हमने जो बात की है सारी बातें उन्हीं में से निकल के आ रही हैं, जो हमने पीछे तीनों ऑयल पड़े हैं अब उनमें जो जो बातें उन्हीं में से निकल के आ रही हैं। और क्या चाहिए हमें, गुड केमिकल स्टेबिलिटी चाहिए कि नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि वो थोड़ा भी काम करा, उसका जो कंपोजिशन ही जो है खराब होगी उसकी सारी की सारी। तो जो प्रॉपर्टी मान लो लो टेम्परेचर पे, मतलब जो टेम्परेचर रेंज है काम करने की, उसके अंदर उसकी स्टेबिलिटी केमिकल की रहनी चाहिए और एनवायरमेंट के हिसाब से भी उसकी स्टेबिलिटी रहनी चाहिए। इनकम्प्रेसिबिलिटी, इनकम्प्रेसिबिलिटी ये क्या चीज है, कंप्रेसिबिलिटी तो पता है ना, प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट चेंजेस इट्स सेम और चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू अप्लाइड फोर्स।
अगर वो कंप्रेस हो रहा है तो कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है, हम क्या चाह रहे हैं इनकंप्रेसिबल होना चाहिए, ठीक है, ताकि ज्यादा फोर्स को हम और क्विकली जो है फोर्स को हम ट्रांसमिट कर सके या पावर ट्रांसमिट कर सके। फायर रेजिस्टेंट, ये भी समझते हो गए आप, ये भी प्रॉपर्टी चाहिए एक आइडियल फ्लूड में, आइडियल ऑयल में, आग हम तो नहीं चाहेंगे ना आप आग पकड़े काम करते हुए। और लो फ्लेमेबिलिटी, ये क्या मतलब है, भी आग पकड़ने की क्षमता उसमें कम होनी चाहिए, ये लगभग एक जैसे पॉइंट हो गए। आग का विरोध करना ही करना चाहिए और उसकी फ्लेमेबिलिटी अगर है तो बहुत कम होनी चाहिए। और फोम रेजिस्टेंस, यानी कि उसके जो काम करते हुए जो फ्लो कर रहा है उसमें झाग ना बने, ठीक है, उससे क्या है कि झाग बनेंगे तो उसके अंदर एयर पॉकेट्स भी बन जाएंगी तो उससे उसकी कंप्रेसिबिलिटी पे फर्क पड़ेगा, ठीक है, या एयर पॉकेट्स या वैक्यूम अगर क्रिएट होता है इसके अंदर तो वो उसके अंदर की सरफेसेस को भी डैमेज कर सकता है। गुड हीट डिसिपेशन एबिलिटी, यानी कि जो हीट स्टोर तो उसने कर ली, अगर उसको रिलीज नहीं कर पाए तो भी दिक्कत है, तो हीट को डिसिपेट भी इजीली कर पाए वो उसके अंदर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है ना। लो वोलेटिलिटी, लो वोलेटिलिटी का मतलब क्या, जैसे पेट्रोल होता हम हथेली पे रख लेते हैं उसको तो थोड़ी देर में हमको ठंडक सी महसूस होती है और देखते हैं कि पेट्रोल गायब, क्योंकि वो इवेपोरेट हो गया, वो वोलेटाइल है, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर वो वोलेटाइल है। तो ऐसा ना हो कि हम भी जो फ्लूड ऑयल यूज कर रहे हैं, हाइड्रोलिक ऑयल यूज कर रहे हैं, वो वोलेटाइल हो, जो कंडीशन है वर्किंग कंडीशन है उसमें वो वेपर बन के उड़ी जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर तो खत्म ही हो जाएगा वो, तो वोलेटिलिटी जो है वो लो होनी चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लो डेंसिटी, डेंसिटी लो होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए भाई, लो डेंसिटी का मतलब क्या है, तो पर यूनिट वॉल्यूम जो मास है वो कम होना चाहिए, मास कम का मतलब पर यूनिट वॉल्यूम वेट कम होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा ना हो कि हम प्रॉपर्टीज तो सारी आ जाए, डेंसिटी का ध्यान ही नहीं दिया और एक लीटर हमने वो है वो लिया ऑयल, उसका अपना ही वजन जो है पांच छह किलो हो गया, मशीन से ज्यादा वजन उस ऑयल का ही हो गया, तो जितना ज्यादा वजन ऑयल का होगा हमारे को मशीन की जो है वो भी वेट भी बढ़ेगा, और वेट बढ़ेगा तो फिर बहुत सारी चीजों पे फर्क पड़ जाता है, उसको हैंडल करने का भी खर्चा बढ़ जाएगा उस ऑयल को, ठीक है ना, तो हम लो डेंसिटी चाहिए, कम वजन हो, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज है जो हम चाहते हैं कि एक आइडियल हाइड्रोलिक ऑयल में हो। तो एक किसी ऑयल में सारी चीजें तो मिलती तो है नहीं, लेकिन जो कमी होती है हम एडिटिव्स मिला के दूर कर लेते हैं, ठीक है ना, तो ये जो है मैंने आपको बता दिया हाइड्रोलिक ऑयल के बारे में। तो इस वीडियो के पार्ट में इतना ही, तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा इससे आगे हम चलेंगे, बात करेंगे सील्स की, हाइड्रोलिक सिस्टम में जो सील्स यूज करते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, उनका क्या फंक्शन है, ठीक है, तो इसको एक बार देख लेना। हमने हाइड्रोलिक सिस्टम का जो है डायग्राम बनाया, बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं उनके बारे में डिस्कस किया और हाइड्रोलिक ऑयल के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सील्स के बारे में बात करेंगे। टिल देन गुड बाय।